नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके नजर से नॉलेज वीडियो डेली लेके आता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ आपसे जीरोक्स मशीन कैसे काम करती है, इसके ऊपर मैं पूरा बताऊँगा आपको डिटेल से, और ये जीरोक्स होता क्या है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको वीडियो स्टार्टिंग से फुल लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। अगर बीच में स्किप करके आप चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं जीरोक्स मशीन कैसे काम करती है, जीरोक्स होता क्या है। तो जीरोक्स जिसका मतलब होता है फोटोकॉपी, तो जीरोक्स का नाम तो पहले जीरोग्राफी था, बाद में उसको वहाँ पे रीनेम करके जीरोक्स कर दिया गया है। जीरोक्स की वहाँ पे जो था उसकी तो खोज नहीं हुई थी, लेकिन जीरोग्राफी जो होता है दोस्तों उसकी खोज हुई थी, और वो दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट हुआ था यूएस के एक वहाँ पे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था चेस्टर कार्लसन, जो कि जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिकन थे, उन्होंने दोस्तों इसका इन्वेंट किया था जीरोग्राफी का। बाद में दोस्तों हॉलैंड ने इसका नाम चेंज करके 1910 में, यानी कि 1910 में दोस्तों जीरोक्स कर दिया था, तब से दोस्तों जीरोक्स इसका नाम आ रहा है। इसको आप आसान भाषा में दोस्तों फोटोकॉपी भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों जीरोक्स की बात। अब मैं बात करूँगा दोस्तों जीरोक्स मशीन की, यानी कि जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों होंगे जिन्होंने वहाँ पे कभी ना कभी तो वहाँ पे यूज़ किया ही होगा दोस्तों जीरोक्स मशीन का, आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे आपने आप वहाँ पे इमेजेस को फोटोकॉपी करवाने के लिए, जीरोक्स करवाने की आप ज़रूर गए होंगे दोस्तों जीरोक्स मशीन के पास। तो क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जीरोक्स मशीन कैसे काम करती है। तो जीरोक्स मशीन दोस्तों बेसिकली वहाँ पे जो होती है वो उसके अंदर जो सो जैसे ही आप वहाँ पे कोई भी अपना डॉक्यूमेंट या फिर आप वहाँ पे अपने जो कोई इमेज वगैरह आपको फोटोकॉपी करवानी है, जीरोक्स करवानी है, तो आप जाते हैं, तो जैसे ही आप अपना वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो आदमी आपके जो वहाँ पे जो वर्कर रहता है जीरोक्स करने के लिए, वो दोस्तों आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट को अंदर रखता है जीरोक्स मशीन के, और एक वहाँ पे बटन प्रेस कर देता है। तो जैसे ही वो बटन प्रेस करता है दोस्तों उसके अंदर बहुत तेज़ी से दोस्तों उसके एल्गोरिथम सेट रहते हैं, और बहुत तेज़ी से दोस्तों वहाँ पे एक तेज़ी से एक फ्लैश लाइट दोस्तों आपके उस डॉक्यूमेंट पे, जैसे वो बंद करता है नीचे से दोस्तों एक फ्लैश लाइट बहुत तेज़ी से गुजरती है आपके उस वहाँ पे डॉक्यूमेंट के वहाँ पे एकदम नीचे, आप बहुत तेज़ी से फ्लैश लाइट, वो भी दोस्तों ग्रीन कलर की होती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा कभी दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ग्रीन कलर की बहुत तेज़ी से दोस्तों उसकी जो उसकी आवृत्ति होती है दोस्तों, जो उसकी स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है दोस्तों, बहुत तेज़ी से गुजरती है और तुरंत स्कैन कर लेती है आपके डॉक्यूमेंट को, और हूबहू दोस्तों नीचे से जो वहाँ पे कागज़ लगाए जाते हैं एकदम जो वाइट कलर के पेपर में ही, आप जानते हैं दोस्तों वो आपके एकदम हूबहू डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं, तो पेपर में तुरंत वैसे ही दोस्तों हूबहू जो प्रिंट आपने आपकी वो दोस्तों स्कैन की हुई है उस वहाँ पे जो वहाँ पे अभी फोकस पड़ा था, फ्लैश पड़ा था, उसने तुरंत आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया, स्कैन करने का हूबहू प्रिंट आपके उस वाइट पेज में निकाल के आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा उसका वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पे उस वहाँ पे जो उसकी हर्ट जो उसका आवृत्ति होती है बहुत तेज़ होती है दोस्तों, और वर्क करने की वही दोस्तों जो ग्रीन लाइट वहाँ पे गुजरती है वही दोस्तों आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेती है, फिर उस स्कैन करने के बाद आपके वाइट पेपर में वही सेम फोटोकॉपी में दोस्तों उतर के आ जाती है जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया है फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए या जीरोक्स करवाने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों फैक्स में वहाँ माफ़ कीजिएगा जीरोक्स मशीन काम करती है दोस्तों। तो जीरोक्स मशीन कई टाइप्स की आती हैं दोस्तों, एक वहाँ पे मैनुअल वाली आती है दोस्तों, और वहाँ पे एक आप तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो गई तो दोस्तों ऑटोमेटिक हो तो दोस्तों आप अपने उसको कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ पे अपने आप वो डॉक्यूमेंट दोस्तों स्कैन कर देती है, पेजेस को भी अपने हिसाब से वो ले लेती है दोस्तों, जितने उसके वहाँ पे प्रिंट उसको निकालने होते उसके हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों जीरोक्स मशीन जो होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे कोई भी ऑफिस हो, तो सबसे ज़्यादा यूज वहीं होता है वहाँ पे जीरोक्स मशीन का। और जीरोक्स मशीन दोस्तों जब से वहाँ पे इन्वेंट हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों अर्लियर इन द वीडियो कि वहाँ पे अमेरिका में इन्वेंट हुई थी, तब से दोस्तों बहुत ज़्यादा काम में आ रही है, उसके द्वारा हमारे बहुत से काम दोस्तों आसानी से हो जाते हैं, कहीं कोई भी
आपको वहाँ पे जीरोक्स करवाना है तो उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो जीरोक्स मशीन दोस्तों जो होती है यहाँ पे, अब आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी हो या फिर इमेजेस को, वो दोस्तों सेम प्रिंट करके दे सकती है दोस्तों। अब वो आप वहाँ पे प्रिंट कलर्ड लेना चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो फैक्स माफ कीजिएगा जीरोक्स मशीन होती है, वो जीरोक्स मशीन में ऑप्शन होता है वहाँ पे इंक वाला, तो उसे इंक सेक्शन में अगर आपने दोस्तों आपको कलर्ड वाला लेना है तो कलर्ड इंक वहाँ पे अगर होगा तो वो आपको कलर्ड पूरा का पूरा हूबहू दोस्तों वो प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। अगर नहीं होगा उनके पास कलर्ड इंक तो ब्लैक वाला वो इंक डाल के रखते हैं कॉमनली दोस्तों, तो आपको ब्लैक एंड वाइट पेपर में दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी। तो यही हुआ दोस्तों वहाँ पे जीरोक्स मशीन के बारे में। जीरोक्स क्या होता है उसको मैंने आपको बता दिया, जीरोक्स मशीन क्या है होती है कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जो घंटे का निशान आता है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचा करेगी। तो अब मैं मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।